माननीय सदस्य स्पीकर सर, हम सब पता है और फाइनेंस मिनिस्टर ट्रू फॉलोअर ऑफ नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश की है फाइनेंस मिनिस्टर। आई वांट टू रिमेंबर वन स्टेटमेंट विच इज मेड बाय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री था, जब डॉलर वैल्यू रुपए में 66 रुपए था, तब नरेंद्र मोदी प्रश्न पूछिए सर, सर 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 वो यही प्रश्न है सर। हाँ, वही प्रश्न मैं और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर, वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ सर, मुझे मौका दीजिए बस। आप तो आपका प्रश्न पूछिए सर। सर मैं हमारा प्राइम मिनिस्टर है सर, आई कैन कोट, आई कैन फॉलो हिज डायरेक्शन फॉर द इकॉनमी। पूछिए प्रश्न का प्लीज सर। रुपया ICU में पड़ा है, देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार ने ना देश को रक्षा की चिंता है। आपका प्रश्न है क्या सर? सर आप यही प्रश्न है सर, यही प्रश्न है सर। आप किसी प्रश्न स्पीकर सर, आप इंटरप्शन मत कर सकते सर। बैठिए आप, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज प्लीज सिट डाउन, प्लीज। एक तो माननीय सदस्यगण, आप सदन के नेता हैं, सदस्यों को ये समझा दो, कभी स्पीकर पर टिप्पणी करके ये नहीं कहे कि आप इंटरफेरेंस नहीं कीजिए, ये मेरा अधिकार है, समझ गए ना? आज के बाद मेरे पास अधिकार है, दो कभी नहीं होगा ऐसा, सुन लिए मान्य सदस्य, सबको बता रहा हूं। आप प्रश्न से पूछो, प्रश्न के संबंधित किसी प्रश्न काल में किसी के स्टेटमेंट को कोट करने की आवश्यकता, प्रश्न पूछो, जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। हिंदी थोड़ा कमजोरी है, मौका दो, आपसे मौका मांग रहे हैं सर। हिंदी में बोले थे, इंग्लिश में भी नहीं बोले, मौका मांग रहे हैं सर। मौका मांगने का समय देश की बोले। हाँ पूछो, आप आपका अधिकार है, सबको मौका देता हूँ। स्पीकर सर, मैं आपका मेंबर हूँ, मुझे कुछ दिक्कत हो गए तो मुझे रक्षा करने का आपका पूरी रक्षा करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी रक्षा करेंगे, क्योंकि मैं छोटे गांव से चुनकर इतना दूर आया, आपके ऊपर बहुत उम्मीद लेकर आए हम, तो हमें रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, आज सरकार के चिंता ऐसे है कि इन लोगों का कुर्सी बचाने का चिंता है, ना रुपए गिरने का रोकने के लिए कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन प्लान लिए। जब 66 रुपीस में रुपी था, ICU में चला गया, आज के तारीख में अकॉर्डिंग टू अवर फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई 83 रुपीस 20 पैसा। ICU से दो रास्ते है सर, एक रास्ता ठीक होकर घर पर आना, दूसरे रास्ता मर्चरी को जाना। तो ये 83 रुपीस 20 पैसा अगर रुपए का वैल्यू था डॉलर के, तो हम सीधा सीधा मर्चरी में चला जा रहा है। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, अगर मर्च ICU से घर लाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? वो उसके उसके मेरा और नरेंद्र मोदी जी का एक ही सवाल है, कब घर पे लाएगा? और मेरा दूसरा मैडम वन मोर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री सर, सर सप्लीमेंट्री दूंगा आपको। सर माननीय सदस्य, जो तेलंगाना से आते हैं उनके हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूं सर। ICU में, सॉरी आप बेटे बेटे किसी व्यक्ति का जवाब मत दो सर। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, उनका उस बयान को उठा करके अभी पूछ रहे हैं, बहुत सही है सर, पूछना आवश्यक है। नहीं, ये तो मैं तय करूंगा मंत्री जी, आप नहीं तय करोगे क्या पूछना है सर, इस तरीके का पूछने का जवाब उसको नहीं, पूछना नहीं पूछना है तो मैं तय करूंगा, वो सही बात है सर। हाँ। मगर अगर वो कोटेशन के साथ उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते, ICU इकोनॉमी पूरे ICU में थे, पूरे इकोनॉमी ICU में थे सर, विपक्ष के नेता बैठकर सुनना चाहिए सर।
सर जब तक वो खड़े हैं मैं भी खड़े रहूंगी, मगर जवाब पूरे देने का मौका उनका रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आपका रिकॉर्ड में हो रहा है। पूरे इकोनॉमी सिर्फ डॉलर सिर्फ रुपी नहीं, पूरे इकोनॉमी तब आईसीयू में थी, पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है सर, आज पैंडेमिक हो उसके बाद भी, रशिया यूक्रेन वॉर हो उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और मैं आज भी कह रही हूं, आज भी कह रही हूं रुपया के विषय, कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। प्लीज बैठिए आप बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनना है आपको, अगर आप आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनो मैं आगे क्रोस बुला दूंगा। प्लीज आप सर, इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है वो दुख की बात है, क्योंकि जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है सब उसमें गर्व लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने की बात है सर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और डॉलर, पूरे डॉलर विदेश में स्ट्रांग हो रही है, सिर्फ इकोनॉमी भारत का उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसको आनंद लेना चाहिए ना कि ऐसे मजाक की बात, शर्म होना चाहिए सर। प्लीज सप्लीमेंट्री, माननीय सदस्य आपको कोई तकलीफ है क्या? आपको मैंने आपने प्रश्न पूछा गया सर, ये प्रश्नकाल है माननीय सदस्य, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, प्रश्नकाल में बीच में नहीं उठे। स्पीकर सर, माननीय सदस्य का प्रश्न है, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे थोड़ी यहाँ पर चर्चा हो रहा है, वर्गीकरण कर रहे हैं क्या हाउस का, अर्थशास्त्र वर्गीकरण कर रहे हैं क्या हाउस का, ये बारे में चर्चा हो रही है। मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ सर, 1947 से लेकर ये कैसे बात कर, ठीक बात नहीं कर रही है। अपना लोन्स का है सर 55,87,149 करोड़ सर, 8 साल में नरेंद्र मोदी जी सरकार ने इतना बोरोइंग किए 80,07,44 करोड़, तो ये सरकार ने 67 इयर्स जितने भी सरकार आए थे सब लोग मिलकर 55,00,000 करोड़ बोरोइंग किए, तो ये नरेंद्र मोदी जी सरकार ने 80,00,000+ करोड़ बोरोइंग किए, हर साल 10,00,000 करोड़ रुपए आप उधार मांगकर जी रहा, इस देश को पूरा सर्वनाश सत्यनाश कर दिया ये सरकार। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये सरकार से अगर रुपए ताकत करना है तो आप फॉरेन इन्वेस्टर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखना है, इसमें आपका एक्शन प्लान क्या है। पिछले 12 साल में जितना इन्वेस्टमेंट आया था हिंदुस्तान में 2022 पांच महीने में उससे ज्यादा लिक्विडेट कर लेके वापस चला गया, ये सरकार के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी भरोसा चले गया, इंडियन इन्वेस्टर्स का भी भरोसा चले गया। इसीलिए मैं ये पूछना, सर दिस क्वेश्चन स्टार्टेड विद, हाँ ले लिया, ये फैसला मुझे करना है आपको नहीं करना। सर दिस क्वेश्चन, द मेन क्वेश्चन वॉज ऑन करेंसी डीवैल्यूएशन एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। करेंसी डीवैल्यूएशन इटसेल्फ सर, द वर्ड डीवैल्यूएशन मैं सिर्फ आपके संज्ञान में रखना चाह रही हूं सर, डीवैल्यूएशन इटसेल्फ
is a word or terminology which can be used when there is a fixed exchange rate mechanism. Aaj Bharat mein fixed exchange rate mechanism nahi hai. If anything, why do we accept this question? Manage, sir, please. Sir, ye kya problem hai aap log? Sir, the question is given by the secretariat. We are answering it. Accepting or not accepting is not a choice of the mantri. Questions come, we are duty bound to answer. And in answering that, I am explaining it, sir, if you permit me. Devaluation is when it is in the fixed exchange rate mechanism. If any rate is coming down or going up, we are now talking about depreciation and appreciation. Devaluation itself is not in this context. One. Second, I have explained very clearly that the currency, particularly Indian rupee versus dollar, is because I've said this and I know it has become a good fodder for all those who want to play around in the social media creating memes. Oh, Indian, like the way people make fun of me because I don't eat onions. I do take care of onion-eating people, but still that is, you know, that's all that they can contribute to the debate. Sir, my answer cannot... Aap guide karenge, sir, mujhe, jab my answer is not right. When I... Yes, yes, many things are not relevant which are being raised, but I will answer... you can always stop me, sir, when I'm wrong. So, Indian rupee has been strong against every currency. And that is proved, and I can read the records. As regards just the US dollar, because the US dollar, because of the policies adopted by the US Fed, is getting stronger and stronger. That has been explained. Now, as regards the foreign exchange reserve, Reserve Bank has used foreign exchange reserve that it has to intervene in the market only to make sure that the dollar and rupee fluctuation doesn't go too much. In the sense, volatility of that kind of a fluctuation becoming too much can lead to very many different consequences. So foreign exchange reserve to some extent was used by the Reserve Bank. But today you find in the last couple of weeks, more reserves, the reserve going up, it's increasing because of the flow of FDIs and FIIs. Now, each one of us can always prefer one over the other. FDI better than FII, FII better than FPI. All this can happen, but that is left to the wisdom of the market. But the fact remains that our reserves are also going up. Isiliye, at this time, to talk that foreign exchange, the rupee depreciation, or reserves coming down, or FDIs, people are running away, no investor wants, that's absolutely not proven by data. I would request the honorable member to have a good look at the data to see how FDI is coming into India now in a big way. Among all the emerging markets, India receives more than 50% share of everything which goes to emerging markets. So a bit more data. Of course, data is available in my answer, and more is available in the public domain. Isiliye, honorable member should please... Sir, therefore, what we can do? Of interference with honorable leader of the opposition, sir, I would appeal to you. My vocal cords are tearing by the level of his guttural power, sir. I can't match up the vocal powers of the opposition. आप पूरा जवाब दें? जवाब दिए दिए सर. हो गया? एक बार सुनिए. एक मिनट प्लीज बैठिए. एक मिनट बैठिए मैंने सर. प्लीज एक मिनट बैठिए सब सब बैठिए. बैठिए आपको नहीं है. माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, ये प्रश्नकाल है और माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इस जाति से आता हूं, इस धर्म से आता हूं. ये सदन के अंदर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, न यहां जाति के आधार पर, न यहां धर्म के आधार पर चुनकर आते हैं, देश की जनता चुनकर आती है. कभी भी ऐसे शब्दों का यूज सदन में नहीं ले कोई भी, नहीं तो मुझे ऐसे सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी. रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं. प्लीज बैठिए. और आप अपनी भाषा पर बोलते समय कम से कम धर्म और जाति के आधार पर सदन में चर्चा कभी नहीं करेंगे. प्लीज बैठिए.
माननीय सदस्य आपको समस्या है क्या? आप अगर बार बार उठोगे तो मैं बाहर निकाल दूंगा सदन से आपको। सुन लीजिए, वैसे नहीं चलेगा सदन, सदन तरीके से चलेगा पूरा। माननीय सदस्य आप प्लीज, आपको मैंने पर्याप्त मौका दिया, बैठिए आप। माननीय सदन के नेता आप समझाइए इनको, ये समझाइए, तरीका ठीक नहीं है। क्या जवाब देना है आपसे, मंत्री जी गाइड नहीं होंगी।